नमस्कार, मैं हूं निहारिका सिंह और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव खबर हमेशा सच। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है टोक्यो ओलंपिक से। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म कर कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने जर्मनी को 4-5 की मात दी। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए। हालांकि इस मुकाबले में शुरुआत इंडिया की भले ही खराब रही हो, लेकिन इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वापसी की। इसके बाद जर्मनी ने 2 गोल और किए, जिसके बाद जर्मनी ने भारत पर दबाव बना लिया। इसके बाद इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए महज 2 मिनट में मैच को 4-5 पर बढ़त कर दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट। जर्मनी ने मैच के पहले मिनट में ही गोल किया था। जर्मनी की ओर से तैमूर ओरज ने ये फील्ड गोल किया, जिसके बाद जर्मनी ने 1.0 से आगे हो गई थी। टीम इंडिया के पास जवाबी हमला करने का मौका था, लेकिन वो चुक गई। भारत को 5वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन रुपिंदर पाल से ही गोल करने में नाकाम रहे। रुपिंदर निराश नजर आए, वह इंजेक्शन से खुश नहीं दिखे। पहला क्वार्टर में जर्मनी भारत पर हावी रहा। इस क्वार्टर में जर्मनी काफी आक्रामक नजर आया। जर्मनी की टीम ने पहले मिनट में ही गोल दागकर अपने इरादे साफ कर दिए और शुरुआती बढ़त बना ली। पहले क्वार्टर के खत्म होने के ठीक पहले उसे पेनाल्टी कॉर्नर मिले। भारत ने इस पर शानदार बचाव किया और जर्मनी की बढ़त को 1.0 तक ही रखा। श्री जेस की यहां खास तौर पर तारीफ करनी होगी, उन्होंने लगातार 2 अच्छे सेव किए। दूसरे हाफ में भारत ने गजब खेल दिखाया। भारत ने न सिर्फ लगातार गोल किए, बल्कि जर्मनी के खिलाड़ियों को खासा छकाया। जर्मनी की टीम दूसरे हाफ में दबाव में नजर आई, वहीं भारत के खिलाड़ी लगातार गोल की तलाश में दिखे, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिमरनजीत सिंह ने हॉकी प्रेमियों को निराश नहीं किया और गोल किए। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने पलट दिया मैच। एक वक्त ऐसा भी था मैच में जब जर्मनी 3.1 से आगे था, लेकिन फिर भारत ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए जर्मनी को चारों खाने चित कर दिया। गोलकीपर ब्रिजेश ने भी गोल पर खड़े होकर जर्मनी को कोई बढ़त लेने का मौका अंतिम क्षणों में नहीं दिया। कई पेनाल्टी स्ट्रोक्स भी रोके। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल करते हुए भारत की मैच में वापसी कराई। भारत की टीम दूसरे हाफ में वो कमाल नहीं दिखा पाई जो उसने पहले हाफ में दिखाया था। भारत की तरफ से पहला गोल सिमरनजीत सिंह ने किया। यह टोक्यो ओलंपिक में उनका 2रा गोल था। 2रा गोल करने का मौका हार्दिक सिंह को मिला। 3रा गोल करने का मौका हरमनप्रीत के हिस्से में आया। 4था गोल रुपिंदर पाल सिंह ने किया, जिन्होंने पेनाल्टी स्ट्रोक को गोल में तब्दील कर दिया। यही वो लम्हा था जब भारत मैच में 4-3 आगे हो गया था। और फिर 5वां गोल सिमरनजीत सिंह ने किया, जिसके बाद भारत ने 5-4 की बढ़त जर्मनी पर ले ली, जो मैच के अंत तक बनी रही। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर खबर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।